नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, तीन ट्रेडिंग सेशंस पहले की बात है जब मैंथा को हमने 1150 के ऊपर ट्रेड करते देखा था और फिर अगले ही दिन मुनाफा वसूली बनी थी और जो कीमतें थी 1110, 1112 डॉलर, 1112 रुपए तक जाती नजर आई थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं फिर से रिवाइव हुई हैं, फंडामेंटल्स के मद्देनज़र कीमतों में फिर से निचले स्तर से खरीदारी लौटी है। अप्रैल वायदा तो 1140 के आसपास है लेकिन जो मई वायदा है वो 1150 ऊपर निकल चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कीमतों ने फिर से कमबैक दिया है तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मैंथा में यहाँ से और अच्छी तेजी बनने वाली है? देखिए, बिल्कुल 1100 के ऊपर मार्केट सस्टेन है जब से, तब से बाजार जो है वो 1140 1150 की रेंज में आके अभी पिछले दो दिनों से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1160 एक अच्छा टेक्निकली सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो आपके ऊपर में फिर 1200 तक मैंथा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 1160 का टारगेट लेकर इसमें बाइंग में बने रह जा सकता है जी। ये सिर्फ जी बात करेंगे कैसे सीड की, तो देख रहे हैं कि कैसे सीड 7000 के नीचे टूट चुका है। अप्रैल वायदा 6968 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, 7500 से सीधा कैसे सीड अब 6900 पर आके ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से आज कैसे सीड का बाजार टूटा है तो क्या मान लिया जाए कि कैसे सीड में यहाँ से अभी और गिरावट बनेगी, थोड़ा रुक जाना चाहिए, या फिर ये जो लेवल है अच्छा लेवल है, यहाँ पे खरीदारी में रहा जाए आगे और तेजी के लिए? देखिए, खरीदारी अभी नहीं करना चाहिए। हमने कल भी बताया था जब 7100 के आसपास था कि इसमें बिकवाली की जा सकती है और 7000 का लेवल तोड़ेगा तो नीचे में 7800 तक जा सकता है। तो फिलहाल वही रेंज अभी दिखाई दे रही है, नीचे में एक बार 7800 तक बाजार नीचे में लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ये सब जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में कल को हमने 13000 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा था, आज देख रहे हैं 12800, अप्रैल वायदा 12600 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2% की करेक्शन है। वहीं ग्वार सीड 6600 के ऊपर था, आज 6400 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 1.5% की करेक्शन के साथ। रूपा जी, क्या लगता है कीमतें यहाँ से और नीचे जाएंगी या फिर यहाँ से कीमतों को सपोर्ट मिल जाएगा फिर से और तेजी आएगी? देखिए, करेक्शन है अभी, ये करेक्शन थोड़ा सा आ सकती है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। और एक्सेल वायदा देखे तो एक्सपायरी के बेहद करीब है, तो अगले महीने की बात की जाए मई वायदा तो एक बार 12600 से 12400 तक की करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि बन सकती है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, इसलिए आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर में ग्वार जा सकती है। लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर से ग्वारों में खरीदारी, ग्वार के अंदर खरीदारी निचले स्तरों पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए ग्वार का पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा जी। इसी रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में कल को हमने काफ़ी शानदार तेजी बनते हुए देखी थी, आज भी लेवल ठीक ठाक है लेकिन कल के मुकाबले हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी बनी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मामूली सी है। आपको क्या लगता है कीमतें क्या फिर से यहीं से सपोर्ट ले सकती हैं? देखिए, मसालों में भी एक्सपायरी बेहद करीब है, इस वजह से करंट वायदा के अंदर थोड़ा सा पोजीशन क्लियर ऑफ हो रही है, प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगले महीने के वायदा में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक में आपको एक बार फिर से खरीदारी आती हुई दिखाई देगी और मुझे लगता है कि एक नए लेवल देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी, इनमें तेजी बनी रह सकती है। आज की करेक्शन करंट वायदा में देखने को मिल सकती है ज्यादा, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे जी। ये सर जी, बिनौला खल में क्या लगता है आपको, 3000 के नीचे भी नहीं जा रहा है और 3200 के ऊपर भी नहीं निकल रहा है, क्या बिनौला खल अब, क्या इस मान लिया जाए कि बिनौला खल ने जो तेजी दिखानी थी अब दिखा चुका है और यही लेवल रहने वाला है अब? देखिए, बिनौला खल में भी 3000 से लेकर 3200 का स्तर जो है वो बना रह सकता है, इससे ज्यादा फिलहाल बाजार में मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जो भी लेवल ब्रेक होगा नीचे का या ऊपर का, तो उसके बाद की लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे में 3000 ब्रेक करता है तो आपको 2800 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऊपर में अगर 3200 ब्रेक कर देता है तो 3400 तक की तेजी बन सकती है। तो फिलहाल के लिए रेंज बाउंड है बाजार, काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में 3000 से लेकर 3200 तक कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ये सिर्फ जी M6 कॉटन की बात की जाए, तो M6 कॉटन आज भी 43000 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं और माल भी इतना नहीं मौजूद है मार्केट के अंदर, आपको क्या लगता है
क्या यहाँ से ऊपरी स्तर से अभी एक दबाव बन सकता है या फिर जो कीमतें हैं कॉटन की वो तेजी की ओर ही लगातार बनती रहेंगी? देखिए कॉटन में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है अखिलेश, अभी जरूर एक बाइंग जो है वो बनी हुई है और बाजार ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग काफी रिस्की हो सकता है। हो सकता है कि इस तेजी के दौरान छुटपुट तेजी बनी रहे और मार्केट सस्टेन करे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से और ज्यादा तेजी नहीं। जी ये सिरुपा जी, हमने सोयाबीन वायदा को फिर से $1,650 के ऊपर जाते हुए देखा है। यूएस सोयाबीन वायदे की बात की जाए अगर, वहीं पे अमेरिका में रिकॉर्ड सोयाबीन का अनुमान है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अभी सोयाबीन का रिकॉर्ड बुआई का अनुमान लगाया गया है अमेरिका के अंदर, वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना में पिछले साल के मुकाबले इस बार उत्पादन कम है, भारत में उत्पादन ज़्यादा था लेकिन रूपा जी कीमतें भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक मिलती नजर आई हैं पिछले साल के मुकाबले, साल 2020-21 के मुकाबले 21-22 में। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या इस बार भी सोयाबीन की बुआई का रकबा बढ़ सकता है जिसकी वजह से सोयाबीन का बाजार पर कुछ प्रभाव पड़े? देखिए इस साल कीमतें ठीक ठाक बनी रही हैं तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि अगली बार जो है वो रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और जिस तरीके से इस बार प्रोडक्शन काफी कम रहा है एडिबल ऑयल पैक का, तो आगे चलकर उम्मीद है कि इस बार काफी जगह पर सोइंग अच्छी खासी हुई है और इंडिया में भी अभी थोड़ा सा प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर थोड़ा सा रकबा बढ़ सकता है। और बाकी क्रॉप कैसी रहेगी उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, वेदर कैसा रहता है, ये सारी चीजें होती हैं, इसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्रॉप कितनी आई है और मार्केट में डिमांड कितनी है और फिर उसका क्या प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हाल फिलहाल का जो सिनेरियो है वो तेजी की तरफ है और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, हाँ बाजार अपसाइड में रहेंगे लेकिन स्टिल ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा और कभी कभी करेक्शन भी इसमें बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल नहीं है। जी ये सिरपा जी एडिबल ऑयल्स में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से सरसों तेल है रिकॉर्ड उत्पादन रिकॉर्ड आवकों के बावजूद कम नहीं हो रहा है, सीपीओ की कीमतें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, रिफाइंड सोया तेल 1500 रुपये प्रति 10 किलो के रेट के हिसाब से बिक रहा है हर एक मंडियों के अंदर थोक में, और फिर सरकार ने भी 1 अप्रैल से अभियान चालू कर दिया है कि थोक और जो खुदरा व्यापारी हैं उनके यहाँ पर जाँच करने का कि कोई ज़्यादा कालाबाजारी तो नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा स्टॉक तो नहीं रख रहा स्टॉक लिमिट से ज़्यादा, लेकिन देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी इतना कुछ असर पड़ा नहीं है, खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो एज इट इज तेजी की ही हो रहे हैं। तो रूपा जी आपको क्या लगता है जिस हिसाब से विदेशों में कंसर्न बने हुए हैं अभी फंडामेंटल्स हैं क्योंकि भारत आत्मनिर्भर नहीं है खाद्य तेलों में, तो क्या खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो अभी ऐसी तेजी की ओर ही जारी रह सकती हैं? देखिए बिल्कुल अभी जो सिनेरियो है उसके मुताबिक तेजी है क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसका भी असर प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है सभी कमोडिटीज के ऊपर, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। हर चीज में आप देखिए जो है ट्रेवलिंग ऐड होता है, ट्रांसपोर्ट ऐड होता है, इस वजह से प्राइसेस जो है वो अभी ऊपर बने हुए हैं और तेजी इसलिए भी बाजारों में कायम है। और अभी जहां तक सरसों की बात है, सरसों भी थोड़ा सा उगती हुई दिखाई दी है, और अभी रिटेल की बात करें तो रिटेल में तो वैसे भी प्राइसेस काफी ऊपर है अभी, तो मुझे लगता है कि ये बाजार जो है यहीं पर एक बार सीमित रह सकता है, यहाँ से अगर बहुत तेजी नहीं जाएगा तो वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ भी नहीं है। जी रूपा जी एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स किने देना चाहेंगी आप? देखिए एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि मसालों में अभी अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो वहां पर बाइंग की तरफ रहना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, आगे चलकर एक नए लेवल जो है मसालों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी आने वाला कारोबार इस सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसे रह सकता है? आने वाला सप्ताह के अंदर देखिए अखिलेश मुझे लगता है कि मसाले और ग्वार ये दोनों ही कमोडिटीज ऐसी हैं जो अपनी खुशबू भी देते हुए नजर आ सकते हैं। ग्वार में 13 से 13.5 हजार तक की सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, और वहीं अगर मसालों की बात करें तो मसालों में भी जीरा 23-23.5 हजार तक जा सकता है, जबकि हल्दी 10 हजार तक, और धनिये में भी 13 से 13.5 हजार के लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है, कहां पर कितने कमाई के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार यूं ही बनी हुई है मार्केट एमसीबी पर।